सर, तो अब इनके पीड़िता के परिवार के लिए आप सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे? यहाँ पे कोई गार्ड रहेगा या पुलिस वाले तैनात रहेंगे? हमारा बस चले ना, हम तो आज के आज उसे फांसी की सजा सुना दे, लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रशासन ऐसा होने देगी? हमारे मिस्टर नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए, वो इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। वो ऊंचे ऊंचे नारे लगाते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी बचाओ। चंद्रशेखर भाई जब आते हैं ना, तो वो न्याय और इंसाफ की जो लड़ाई होती है उसको पूरे दमखम से लड़ते हैं। पुलिस वालों का विशेष तौर पे बहुत बड़ी ढिलाई है, उनके साथ मिलके ये काम कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा सच में? We are taking action. हम लोग एक्शन ले रहे हैं। What action have you been taking so far, sir? लगता है कब तक दरिंदे को फांसी होगी, कब तक इंसाफ मिलेगा? देखिए, अगर हमारा बस चले ना, हम तो आज के आज उसे फांसी की सजा सुना दे, लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रशासन ऐसा होने देगी? इससे पहले भी बतेरे कांड हुए हैं। 9 साल की बच्ची को बर्बरता के साथ शमशान घाट में, जो मुक्ति का द्वार माना जाता है, वहाँ पे जिंदा जलाया जाता था। तो क्या आपको लगता है वहाँ न्याय मिल गया? क्या लगता है आपको कि यहाँ पे जो प्रशासन, जो हमारे मिस्टर नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, वो इंसाफ दिलाने का काम करेंगे? वो ऊंचे ऊंचे नारे लगाते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी बचाओ। पता आपको, वो खुले शब्दों में कहते हैं कि बचाओ बचाओ बेटियां बचाओ। नरेंद्र मोदी जी के सांसदों से, उनके MLO से, उनके जितने भी कार्यकर्ता, उनसे बेटियों को बचाओ। तो सर, कहां गए बीच में? तो इस केस में नहीं आए, आगे तो है ना। क्यों, अभी कंजावला केस हुआ था, उसमें कौन थे? और आप जरा दूर ना जाएं, आप हाथसखान चले देख लीजिए, हाथसखान में भी तो सारे जो बीजेपी के MLA जो होते हैं, वो सब उसमें शामिल थे। कौन सा ऐसा केस है जहाँ पे बीजेपी की नहीं वहाँ घटना होती है शामिल? चंद्रशेखर भाई आवाज चुके हैं, परिवार को कितनी उम्मीदें आपने देखा जो भी हुआ? देखिए, सभी को पता है कि चंद्रशेखर भाई जब आते हैं ना, तो वो न्याय और इंसाफ की जो लड़ाई होती है उसको पूरे दमखम से लड़ते हैं। और मैं यहाँ बोलना चाहूंगी कि भाई यहाँ आए हैं तो इंसाफ जरूर मिलेगा, और हम पूरी अपने तन मन धन से जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, हम यहाँ लगातार। अरे दादा, वही तो मैडम पूछ रही है, मैडम पूछ रही है, वही बात पूछ रही है। ठीक है ना, अगर कोई इस टाइप का कंप्लेंट होगा, विल टेक एक्शन। सर, तो अब इनके पीड़िता के परिवार के लिए आप सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे? यहाँ पे कोई गार्ड रहेगा या पुलिस वाले तैनात रहेंगे? 100% आज से रहेंगे, बीट वाले रहेंगे। अगर ये कंप्लेंट करता है, वी विल प्रोवाइड सिक्योरिटी। और सर, तो हो गया जी, कंप्लेंट तो हो चुका है ना? कंप्लेंट तो हमारे पास नहीं है सर, हमारे पास बात कर रहे हैं, एफआईआर हो चुकी है। ये कुछ और बोल रहे हैं, कोई रात में पूरी इनको सर, जैसा कि चंद्रशेखर जी बता रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे मादक पदार्थ बिकते हैं, लोग खरीद रहे हैं और इसका सेवन कर रहे हैं, इस पे रोक लगाई जानी चाहिए। और यहाँ पे पुलिस वालों का विशेष तौर पे बहुत बड़ी ढिलाई है, उनके साथ मिलके ये काम कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा सच में? We are taking action. हम लोग एक्शन ले रहे हैं। What action have you been taking so far, sir? आपका कहना ये है कि गर्ल्स आर नॉट सेफ हियर, यहाँ पे हो रहा है दिल्ली में पूरे इंडिया में। नहीं सर, आपने दिन दहाड़े यहाँ पे नशा हो रही है, यहाँ पे ड्रग्स लिया जा रहा है, जवाब दीजिए सर। नहीं, मैं तो अभी 5 दिन पहले आया हूँ, नार्कोटिक सेल है, अभी 2 एक्शन लिया इसमें, पकड़ा नार्कोटिक सेल ने। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, हो रहा होगा तभी तो पकड़ा जा रहा है, हो रहा है तभी तो पकड़ा जा रहा है सर। कहीं ना सर, कहीं ना कहीं पुलिस वालों की तो इसमें अब सर, ये तो अभी बोल सकते हैं सर। कभी रात को दिन में यहाँ पे पेट्रोलिंग करके देखा है आपने कि ड्रग्स लिया जाता है कि नहीं लिया जाता? शाहबाद डेयरी एकदम बदनाम है, सबसे ज्यादा नशा के लिए यहाँ पे लोग नशे में धुत दिन दहाड़े लड़कियों को छेड़ रहे हैं। क्या कहेंगे, किस तरह की लापरवाही है ये आपकी, दिल्ली सरकार की? सवाल पूछा है और ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। राजीव रंजन जी हैं इनके साथ और इन्होंने जवाब नहीं दिया है अभी।